हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे मुख्य परीक्षा के पेपर 4 का दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट है और ये जो टॉपिक थिंकर्स में ये शामिल है, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जो मैं इनके आपको कराने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जो हैं वो हमेशा ही मेरे एक आदर्श के रूप में रहे हैं। हमेशा मैं इनको बहुत ज़्यादा इनकी पुस्तकें पढ़ना और इनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और ये युवाओं, इनके जो विचार हैं वो हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। युवा दिवस के रूप में भी इनका बर्थडे मनाया जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक नारा दिया था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो तब तक आप ना रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो ये स्वामी जी के विचार हैं जो अंदर तक मतलब अंदर तक व्यक्ति को जागृत कर देते हैं। तो इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे मुख्य परीक्षा में बन सकते हैं, लेकिन आज मैं जो आपको कराने वाली हूँ वो मुख्य रूप से 3 प्रश्न मैं कराने वाली हूँ। जीवन परिचय इसलिए कि जीवन परिचय में आपको क्या होगा कि जीवन परिचय में उनके बारे में आपको पता चलेगा, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे क्या उनके गुरु रहे, तो इससे आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। फिर हम विश्व धर्म संस्था जो आपने शिकागो का सम्मेलन हुआ वो सुना ही होगा आपने उसके बारे में। उन्होंने जो भाषण दिया था और ऐसा भाषण दिया था कि जो अमेरिका में जो लोग बैठे थे, जो उन दर्शक थे जो उनको सुन रहे थे, उनके हाथों से मतलब सडनली ताली बजने लगी थी। तो इस प्रकार के थे स्वामी विवेकानंद जी। इसके अनुसार विवेकानंद के अनुसार दरिद्र नारायण की भी परिभाषा दी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि दरिद्र नारायण क्या है। तो हम ये 3 प्रश्न बहुत अच्छे से करते हैं। सबसे पहले, आप आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये मेरा एथिक्स का नोट्स है। एथिक्स के नोट्स में ये सभी थिंकर्स आपको मिलेंगे। पहले मैंने ये पूरा नोट्स बना दी हूँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे इनको कवरअप कर रही हूँ। मतलब मैं अलग अलग थिंकर्स से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, ताकि क्योंकि थिंकर्स एक मेन रोल प्ले करता है आपका एथिक्स में, तो थिंकर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे मैं एक अलग से आपको एक जो हमारा एथिक्स का ग्रुप है उसमें प्रोवाइड करा रही हूँ, ताकि आपको थिंकर से संबंधित कोई भी परेशानी ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पूरे पैकेज आपको मिल जाएगा, पूरा 1 से लेकर 6 पेपर तक, जिसमें निबंध भी इंक्लूड रहेगा, करंट अफेयर्स के टॉपिक भी मेंस के इंक्लूड रहेंगे। ओवरऑल आपको, अगर आपने एक बार हमसे जुड़ जाते हैं, नोट्स ले लेते हैं, तो आपको कहीं और परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक ही जगह पर आपको प्री, मेंस, मेंस सॉल्व पेपर, प्री टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ये सभी आपको उपलब्ध रहेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की, रेलवे की या किसी भी एग्जाम की, तो भी हमारे पास नोट्स उपलब्ध हैं। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो मेंस की है कल से स्टार्ट हो रही है। अगर आप हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं तो कल से प्राचीन इतिहास से आरंभ हो रहा है, तो आप वहाँ पे टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने पूरा पैकेज लिया है तो आपके लिए मेंस टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त रहेगी। टेस्ट के बाद आपको उसका आंसर शीट दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम तो जो था नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का ऑफिशियल नाम था, व्यावसायिक नाम था, तो इनका जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र दत्त था। इनको बचपन से नरेंद्र बोला जाता था। इनका जो जन्म हुआ था वो 12 नवंबर 1863 में कलकत्ता में हुआ था। और इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, इनके आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। महात्मा जो स्वामी जी थे उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? श्री रामकृष्ण परमहंस थे। और ये आपका प्रीलिम्स का भी फैक्ट है। और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, उस संस्था का नाम था रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन। 1897 में इसकी उन्होंने स्थापना की थी। इसका नाम क्या था? रामकृष्ण मिशन था। इनकी मृत्यु जो थी 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में हो गई थी। मृत्यु 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में हो गई थी। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं आधुनिक भारत, पूर्व पश्चिम। इन्होंने नारा दिया था, दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर की पूजा है। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक मंजिल को प्राप्त ना हो। विश्व धर्म संसद, ये हमारा जीवन परिचय हमने इनका लिख दिया। हमको उतना शॉर्ट स्वीट लिखना है ताकि हमारा जितना प्रश्न में पूछा है उतना ही आपको लिख पाए।
अब हमारा क्वेश्चन है, विश्व धर्म संसद पर टिप्पणी लिखो। तो 11 से 13 सितंबर को अमेरिका के शिकागो में इसका विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। विश्व धर्म संसद का आयोजन अमेरिका के शिकागो में हुआ था, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। इसमें स्वामी जी ने दूसरे देश में जाके हमारे भारत के धर्म संस्कृति की महानता और उनके उज्ज्वल पक्षों से दुनिया को अवगत कराया। सभाओं में ये जब भारतीय धर्म और संस्कृति से अवगत करा रहे थे तो वहाँ पे जो जितने भी दर्शक थे उनके अनायासी लोगों के हाथों से तालियों की गूंज उड़ गई थी। और उन्होंने सभा में जितने भी श्रोता लोग थे उनसे बोला था संबोधित करते हुए, जागो अमेरिकी निवासी भाइयों बहनों जागो। कम समय मिलने इनको जो भाषण के लिए बहुत कम समय दिया था तथा इनका जो 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 स्पीच जो देने वाले थे सब लोगों का पहले से लिखा हुआ होता है, इनका कोई पहले से तैयार नहीं था। तो कम समय भी मिला और पहले से तैयार भाषण नहीं भी था, फिर भी उन्होंने लोगों को अपनी ओर खींच लिया था। इस अवसर पर उन्होंने सार्वभौम सहिष्णुता, भारत की आध्यात्मिक संपदा तथा भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिकता की गौरव गाथा को पश्चिमी देशों के समक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने भारत की संस्कृति, भारत की प्राचीन जो गौरव गाथाएं हैं, भारत के धर्म, इनसे वहाँ अमेरिका के लोगों को परिचित कराया और अमेरिका के लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता हुई भारत के प्रति। तो ये इनके विचार थे। तो इस प्रकार हम विश्व धर्म संसद पर टिप्पणी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विवेकानंद के अनुसार दरिद्र नारायण कौन है। दरिद्र से आप समझ रहे हैं, दरिद्र का मतलब होता है गरीब। दरिद्र को उन्होंने नारायण, दरिद्र नारायण मतलब क्या यहाँ पे मतलब निकल रहा है तो हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा का सारांश बता देती हूँ कि जो विवेकानंद थे उनका मतलब उनका मानना था कि आप ईश्वर पूजा की अपेक्षा अगर गरीबों की सेवा करेंगे तो वो ज़्यादा आपकी भक्ति कहलाएगी। अगर आप उनके लिए कुछ करेंगे गरीबों के लिए, वो भी निस्वार्थ भाव से, ये ना आजकल का जैसा है कि गरीबों की सेवा करके भले ही कोरोना में कि फ़ोटो खींच देना है, वो खाना खिला के फ़ोटो खींच देना है, इसको नहीं, अपना इसमें हमारा खुद का स्वार्थ आएगा कि देखो यार उस फलाने ने उसकी सेवा की है। ये इसका मतलब विवेकानंद जी दरिद्र नारायण बिल्कुल नहीं, इनका मतलब इनका मानना है कि निस्वार्थ भाव से यदि आप गरीबों की सेवा करते हैं तो भगवान को आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, भगवान आपको बहुत प्यार करने लगता है। तो विवेकानंद के अनुसार भगवान का सबसे प्यारा व सच्चा रूप दरिद्र नारायण है। विवेकानंद कहते हैं कि भगवान को जो सबसे प्यारा है वो दरिद्र नारायण है। कैसे? जब भी हम किसी दरिद्र को नारायण मानकर सेवा करेंगे तभी हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा। हम अगर व्यक्ति एक गरीब को ही भगवान मानेगा, उसी की ही सच्चे दिल से सेवा करेगा तो उसकी आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाएगी और वह भगवान के समीप पहुँच जाएगा तथा शुद्धिकरण के साथ हम ईश्वर के साक्षात्कार के योग्य हो जाएंगे। जब हम किसी की सेवा करेंगे, दरिद्र को नारायण मानेंगे तो हमारी आत्मा का क्या होगा? शुद्धिकरण हो जाएगा। और जैसे ही हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होगा हम ईश्वर के साक्षात्कार के योग्य हो जाएंगे, मतलब हम ईश्वर के सामने पहुंचने के योग्य हो जाएंगे। गरीबों की सेवा करने से भगवान मिलता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से गरीबों की सेवा करता है वह ईश्वर के समीप रहता है। जो व्यक्ति हमेशा गरीबों के सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी सहायता करता है, वह ईश्वर के हमेशा समीप रहता है। निस्वार्थ जनसेवा को ज्ञान भक्ति और योग के समान पवित्र माना है। निस्वार्थ जनसेवा को क्या माना है? ज्ञान भक्ति और योग के समान पवित्र माना है। इस प्रकार से फ्रेंड हमने हमारे तीनों प्रश्नों के आंसर्स कंप्लीट किए। फ्रेंड्स ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है, देख सकते हैं आप। ये 16 फाइलें आपको मिलेंगी विद एक ग्रुप मिलेगा। ग्रुप में आपको करंट अफेयर्स क्विज, करंट अफेयर्स कराया जाएगा, साथ ही डेली प्रीलिम्स की क्लास रहती है 9:30 से 10:30 ग्रुप में। वहाँ पर रोज एक टॉपिक दिया जाता है, फिर उससे संबंधित प्रश्न रात को पूछे जाते हैं ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती रहे। ये 16 फाइलें आपको मिलेंगी, आप मुझे व्हाट्सअप करके इनकी और डिटेल ले सकते हैं। इस प्रकार से ये मेरा पूरा प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। ऐसी मेन्स हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्री का केवल हार्ड कॉपी उपलब्ध है। ये टेस्ट सीरीज है जो कल से स्टार्ट होने वाली है। कल हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल का प्रश्न जो टेस्ट है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम कर लेंगे। जैसे इनके बीच बीच में हमको छोटे छोटे टॉपिक का भी टेस्ट लेते रहेंगे, वो उसी समय आपको 2 से 3 दिन पहले बता दिया जाएगा ताकि आपकी तैयारी होती रहे। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस 2500 रुपये है। जिन्होंने हमारा पूरा पैकेज लिया है नोट्स का, मेंस का, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। और जिन्होंने कुछ नोट्स लिए हैं उनको डिस्काउंट मिल जाएगा नोट्स के अकॉर्डिंग। तो
फ्रेंड्स आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप हमारा एथिक्स का नोट्स अकेला लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, पैकेज के साथ आपको ये कम में मिल जाएगा। ये नंबर है, आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।